स्टूडेंट्स इंडिया टेक फैमिली के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है और मैं राहुल और आज की इस नई और लेटेस्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट फॉर एनआईटी एंड जेई एडवांस। तो मतलब इस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम अच्छे से कि हमें अगर एनआईटी चाहिए, अगर हमारा जैसे कि जनवरी वाला एग्जाम हो गया है और अप्रैल वाला एग्जाम अभी होना बाकी है, अब इन दोनों के बेस पे हमें कितने मार्क्स चाहिए, मतलब कितने मार्क्स चाहिए और कितनी परसेंटाइल हमारी आनी चाहिए जिसके बेस पे हमें एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है या फिर हम जे एडवांस के लिए क्वालिफाई वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए मतलब दोनों चीज़ें एक तो नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट हो गए हमें एनआईटी के लिए। अब एनआईटी के लिए भी हमें मतलब एक वो स्टेज रहेगी, मतलब एक सबसे लोअर स्टेज, मतलब जिसके अंदर हमें थोड़े अच्छे कॉलेज मिलेंगे और जैसे कि हम थोड़ा अच्छा हाई अगर स्कोर जैसे कि मैं बताऊँगा उस बेस पर आपको थोड़े अच्छे कॉलेज जब वो मिल सकते हैं, जैसे कि टॉप एनआईटी कॉलेज भी आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ ऑल आता है जे एडवांस एग्ज़ाम के लिए। अब जे एडवांस एग्ज़ाम के लिए तो नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स वो क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए तो जैसे कि मैं बता दूंगा कितने मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी जे एडवांस के एग्ज़ाम के लिए, मतलब अगर आप जे मेंस क्वालिफाई करते हो और जे एडवांस के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो कितने मार्क्स चाहिए वो भी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो मतलब सब एक अच्छे तरीके से है, पैटर्न के हिसाब से मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। तो अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमें मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक पोर्शन समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि हम तीन चार स्टेप ले लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ले लिए कि किसी स्टूडेंट्स के 100+ मार्क्स आएंगे, ठीक है, 100+ नहीं 100 बिलो कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ऑफ ऑल किसी स्टूडेंट्स के 150 मार्क्स आते हैं, ठीक है, देन किसी स्टूडेंट्स के 180 मार्क्स आते हैं और देन लास्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं किसी स्टूडेंट्स के 200+ मार्क्स है वो आएंगे, ठीक है। अब चार स्टेजों में हमने मार्क्स उनको डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पे चार स्टेज का मतलब ये होगा कि इन चार स्टेज में स्टूडेंट आ जाएंगे सारे, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के 100 होंगे या फिर 120 होंगे वो हमारे 100 वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। जिसके 150 या 140 या 160 होंगे वो हमारे 150 वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वो बातें कॉमन रहने वाली है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता 100 और 120 तक या फिर 90 वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई ज़्यादा कंपेरिजन वो आता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि डायरेक्ट हम बात करें कि अगर आपको एनआईटी चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 100 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एनआईटी थोड़ा डिफिकल्ट है मिलना एक्चुअली, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि अगर वो IIT अगर वो चाहते हैं या फिर GFTI चाहते हैं तो 100 वाले स्टूडेंट्स को ये वाले कॉलेजेस वो मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 100 वाला स्टूडेंट्स होएगा, मतलब जिसके 120 अगर आ जाते हैं, 130 अगर मार्क्स आते हैं, तो वो NIT के लिए जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 में अगर 130 वाला कोई स्टूडेंट्स होता है तो वो NIT के लिए जा सकता है। उसे ओबियसली जैसे वो चॉइस करता है 10 अपनी पसंद के 10 कॉलेजेस NITs के सिलेक्ट करता है और जो लास्ट वाला जो उसको होगा वो ओबियसली उसको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि 100 वाला स्टूडेंट्स, मतलब वैसे तो अगर हम देखें तो लास्ट बार जो 89 गई थी जनरल कैटेगरी की, जो कट ऑफ जी एडवांस को के लिए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होने के लिए, मतलब आपको जे मेंस का अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और जे एडवांस के लिए अगर आपको जाना है तो पिछली बार था 89 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा पैटर्न बदलने वाला है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है वो 300 मार्क्स का होने वाला है और कुछ ज़्यादा डिफरेंस है वो ओबियसली आएगा नहीं। तो इसीलिए हम सिक्योर लेके चलते हैं अगर कोई स्टूडेंट्स है वो 90+ अगर मार्क्स स्कोर करता है, 90+ अगर कोई स्टूडेंट्स मार्क्स वो स्कोर करता है तो वो जे एडवांस के लिए जा सकता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ समझने की बात ये आ जाती है कि यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट्स 90 मतलब प्लस स्कोर करता है, ठीक है, अब उसने जनवरी वाला एग्ज़ाम दिया, क्या पता उसकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी थी, ठीक है, बाई चांसली किसी तरीके से मतलब कोई कारण वजह से उसका जो पेपर है वो अच्छा नहीं हुआ या फिर उसको वहाँ पे किसी तरीके की प्रॉब्लम हो गई हो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से उसका जनवरी वाला सेशन अच्छा नहीं हुआ लेकिन वो अप्रैल वाले सेशन में अच्छा स्कोर करके जे एडवांस के लिए जाना चाहेगा, ठीक है, और
फिर वो क्या करेगा, जे एडवांस के लिए थोड़ी और अच्छी प्रिपरेशन करके जे एडवांस का एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई वो कर लेगा। नेक्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक बात और आती है समझने वाली कि जो मतलब अगर कोई स्टूडेंट्स अगर 90 या 100 या फिर 120 प्लस मार्क्स से अगर लेके आता है तो वो क्या सोचता है कि मेरे को जे एडवांस के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप एलिजिबल बनते हो तो जे एडवांस का एग्जाम जरूर दें, उसके लिए पूरी प्रिपरेशन करके, क्या पता आपका जे एडवांस का एग्जाम अच्छा हो जाए। ठीक है, कुछ मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन कि हम अपनी अगर कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस मार्क्स पे हैं, ठीक है, तो आप आगे जा सकते हो और आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है। मतलब आप जे एडवांस के लिए एलिजिबल होते हो और जे एडवांस में अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो आपको NIT नहीं IIT मिल जाएगी। तो IIT तो एक बेस्ट जो है हमारा सोर्सेज है। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पे 150 और 180 वाले स्टूडेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस वो आता नहीं है। तो ज़्यादा मैक्सिमली अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस ही आता है। ठीक है, कि किसी ने स्टूडेंट्स ने चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिए, किसी ने चार क्वेश्चन उसके गलत हो गए तो वो 150 चला गया, किसी के चार क्वेश्चन अगर अच्छे हो गए तो वो 180 क्रॉस कर गया। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आता नहीं है उन स्टूडेंट्स में, लेकिन यहाँ वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको NIT तो ओबियसली मिल ही जाएगी, किसी तरीके की प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, लेकिन NIT के अंदर अगर हम बात करें तो पहले हम बात कर रहे थे टॉप 10 की, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि टॉप 3 कॉलेजेस जो हमारे NITs के हैं तो उसके लिए शायद वो ना क्वालिफाई हो पाए। ठीक है, क्योंकि जो NIT के लिए जो होती है ना, मतलब अगर हम बात करें कि टॉप 3 कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 180 वाला स्टूडेंट है उसको काफ़ी हद तक वो क्रॉस कर जाएगा कि उसको NIT बेस्ट बेस्ट NIT वो मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पे वाले वाले स्टूडेंट्स ओबियसली जे एडवांस के लिए तो एलिजिबल होंगे ही होंगे। ठीक है, और उनको तो मैं 100% कहता हूँ कि आपको जे एडवांस का एग्जाम देना चाहिए। और जे एडवांस का मतलब यहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच के रखते हैं कि 180 स्कोर मैंने स्कोर कर लिया है, अब जे मीन्स के लिए सिर्फ मेरे को NIT चाहिए, IIT मुझे चाहिए ही नहीं, मैं जे एडवांस का एग्जाम वो देने वाला ही नहीं हूँ। तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कुछ नहीं होगा, बस आपकी नॉलेज बढ़ेगी और क्या पता आपने जे एडवांस के अंदर और भी अच्छा स्कोर करके, मतलब IIT अगर आपने हासिल कर लिया है तो और भी अच्छी आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब हमारे करियर में एक बार ही हमें चांस मिलता है इस चीज़ का, तो इन चीज़ों को हमें गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली डायरेक्ट बात कर लेता हूँ 200 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को, ओब्वियसली जो स्टूडेंट्स 200 प्लस मार्क्स स्कोर करेगा उसका डायरेक्ट टारगेट होता है कि मैं जे एडवांस के लिए जाऊँगा और IIT के अंदर बेस्ट स्कोर करके अपना IIT एडमिशन है वो मैं ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 200 प्लस वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ओब्वियसली यही सोचते हैं ज़्यादातर, उनको कोई मतलब नहीं होता कि मेरे को NIT या फिर वो चाहिए। ठीक है, उनका डायरेक्ट मोटिव ये रहता है कि मेरे को जे एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई करना है और मुझे वहाँ पे एक अच्छा स्कोर करके IIT के अंदर एडमिशन है वो लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि आप अब अपने जो मार्क्स स्कोर आपने किए हैं, मिनिमम मार्क्स अगर हम बात करें तो उसके बेस पे आप कहाँ जाना चाहते हो। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स जैसे कि मैंने बता दिया, अगर हम बात करें तो 100 का, जैसे कि मैंने पैटर्न ऑफ आपको समझाने की कोशिश की है कि आपने अगर 100 मार्क्स स्कोर किए हैं तो आप NIT के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जे एडवांस के लिए ट्राई करना चाहिए और आपको अभी भी आपके पास टाइम है अप्रैल वाले एग्जाम के लिए, तो एक अच्छा स्कोर कीजिए अप्रैल वाले एग्जाम के लिए। थोड़ा और टाइम है भी आपके पास, 2 मंथ या 3 मंथ है आपके पास जिसके अंदर आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब 150 और 180 वाला स्टूडेंट्स क्या होता है, उनको बहुत तकड़ी कंपटीशन रहती है अप्रैल वाले एग्जाम के अंदर। वो क्या करते हैं कि इस बार अगर मेरे से एग्जाम में वो चार क्वेश्चन गलत ना होते तो मैं अगले बार मतलब दूसरी बार में वो अच्छे स्कोर करके उससे आगे चला जाता, तो वो यही करेगा, वो और प्रिपरेशन करेगा, अपनी रिवाइज करेगा और भी जितने भी उसने मिस्टेक की थी उनको सॉल्यूशन को मतलब उनको ठीक करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालेगा और क्या करेगा, 180 प्लस भी मार्क्स अगर वो लेने के आने की कोशिश करेगा, अगर वो 1+80 अगर कॉलेज मार्क्स लेके आता है तो ओबियसली उसका NIT के अंदर तो ओबियसली एडमिशन होना ही है और वो भी टॉप 3 NITs के अंदर उसका एडमिशन वो हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन जो जे एडवांस वाला स्टूडेंट्स होता है, मतलब जो आईआईटी के लिए जाना चाहते हैं, तो ओबियसली जिनके 180, 150, ठीक है, 160, 170 मार्क्स अगर वो आते हैं उनके, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा उनको कि उनको जे एडवांस के लिए जाना चाहिए। जे एडवांस का एग्जाम उनको ट्राई करना चाहिए कि हम जे एडवांस का एग्जाम देंगे तो क्या स्कोर अप कर पाएंगे। ठीक है, और एक बात और मैं बेस्ट आपको बता दूं कि जे एडवांस के अंदर जो नॉन टेक पोर्शन था, जैसे कि जो नया सब्जेक्ट हमारा जुड़ता था जो जीएस से रिलेटेड था, तो उसको हटा दिया गया। अब सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ही आनी है, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ही तीन टॉपिक्स सब्जेक्ट से वो आने हैं, और वो चीज़ें आपने जेई मेंस में पढ़ी है। बस क्या है, थोड़ा सा और हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो जेई एडवांस के लिए जो आ जाती है वही पढ़नी पड़ेगी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं है ना, बस वही सेम चीज़ें हैं, तो वही पढ़नी पड़ेगी। तो उसके बेस पे क्या होगा आपकी, आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। अगर आपने जे एडवांस के अंदर अच्छा स्कोर कर लिया है तो आपको आईआईटी मिल सकती है। ठीक है, तो एनआईटी से ऊपर आईआईटी है, लेकिन एनआईटी की अगर हम बात करें तो गलत चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और मिसिंग मैंने कर दी थी, जैसे कि मैं बताना भूल गया था, अगर आप 100 मतलब मार्क्स अगर आपके प्लस आते हैं तो आपको एनआईटी तो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एनआईटी के अंदर भी और भी ब्रांचेज होती है, डिफरेंट ब्रांचेज होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को चाहिए होती है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप 100 मार्क्स आते हैं तो कंप्यूटर के लिए थोड़ा मतलब बहुत मुश्किल है थोड़ा कंप्यूटर आपको मिलना। लेकिन इसके अलावा भी और भी ब्रांचें होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ब्रांचें अच्छी नहीं है, वो भी बहुत ही अच्छी ब्रांचें हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा आपको सैलरी जो पैकेज है वो मिल जाएगा। ठीक है, 150 और 180 वाले स्टूडेंट्स को सिक्योर है, उनको जो ब्रांच उनको चाहिए, जो मन पसंद चाहिए वो मिल जाएगी। 150 वालों के लिए थोड़ा कॉम्पिटिशन रहता है, ठीक है, क्योंकि 170 और 160 जो 150 वाला जो है ना जो पोर्शन रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ होती है, तो उसके बीच में ज़्यादा कॉम्पिटिशन वो रहता है। अब बस यही डिपेंड है कि आप अगर आगे करना क्या चाहते हो, अभी आपके पास मौका है, जनवरी वाला एग्जाम हो गया है, स्कोर क्या है अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए। स्कोर कैलकुलेट करने के बाद अपना अंदाजा लगाइए कि मैं जे एडवांस के लिए जाना चाहता हूँ या फिर मैं सिर्फ एनआईटी के लिए जाना चाहता हूँ, तो वो क्या करें। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं सिर्फ जे एडवांस के लिए जाना चाहता हूँ, तो और भी अच्छी मेहनत करें, जेई अप्रैल वाला एग्जाम छोड़ के सीधा जे एडवांस की वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ताकि वो जे एडवांस के अंदर अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे एनआईटी ही चाहिए, तो अगर उसने अभी जैसे कि जनवरी वाला एग्जाम के अंदर स्कोर किया है 150, तो वो कोशिश करे कि 180 प्लस मार्क्स वो मैं अप्रैल वाले एग्जाम के अंदर लेके आ सकूं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है या फिर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी और जल्द जरूर आपको उसका रिप्लाई वो मिलने वाला है। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, थैंक यू। अब मैथ एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ साथ आप सभी को बायोलॉजी के भी हर एक प्रॉब्लम्स का वीडियो सॉल्यूशन से वो मिल जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, इनकी एप्लीकेशन डाउटनेट ऐप पे या फिर इनके व्हाट्सएप नंबर 8400400 पे आपको इनको जाना होगा। वहाँ पे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी फोटो खींचनी होगी और उसे एक अच्छे तरीके से क्रॉप करके आपको इस नंबर पे या फिर इनकी वेबसाइट एप्लीकेशन पे आपको सेंड करना होगा। उसको विद इन सेकंड आपको इनका वीडियो सॉल्यूशन से वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12th और आईआईटी जेई लेवल और बायो के साथ साथ आपको नीट के एग्जाम के भी हर एक प्रॉब्लम्स की वीडियो सॉल्यूशन से वो मिल जाएंगे। तो बस आपको करना होगा इनके व्हाट्सएप नंबर 8400400 पे या फिर